साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो। इसी सोच के साथ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च और प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। यह गांव और शहरों की सड़कों का, यहां के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ है। जो पुराने पुल है उनको सुधारा जा रहा है, नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। भाइयों बहनों, रेलवे की पुरानी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है, उनका बिजलीकरण हो रहा है। पटना रेलवे जंक्शन को नए रंग रूप में आप सभी देख ही रहे हैं। सड़क और रेल के साथ साथ हवाई यात्रा को भी सुगम और सस्ता बनाया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विस्तार दिया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अब तो गंगा जी के माध्यम से बिहार को, यहाँ के उद्यमियों को देश के समुद्री इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। इससे बिहार को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। भाइयों और बहनों, परिवहन के साथ साथ बिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान जो हमारी एनडीए सरकार ने चलाया है, उसका लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का हम सफल हुए हैं और मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बिहार को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के समुद्री किनारों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का काम जोरों पर है और यहाँ की रसोई को और यहाँ के उद्योगों को गैस आधारित बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज बरौनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं। इस बिहार के युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं उनसे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर वातावरण बना है।